तो गाइज़ मुझे जिमिंग शुरू किए हुए बहुत साल हो गए हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि जब मैं क्लास 11th में आया था तो जिमिंग का कीड़ा मेरी रगों रगों में घुस गया और आज मुझे जिमिंग करते हुए 6 या 7 साल हो चुके हैं। और इन 6 सालों में मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो एक्चुअली आपको कभी भी आपके फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताएंगे। तो दोस्तों, जब मैं पहली बार जिम के अंदर घुसा था तो मैं बस इसीलिए गया था ताकि मैं कुछ वेट लॉस कर पाऊँ, मैं थोड़ा हैंडसम लगने लगूँ और मैं सारे कपड़ों में बहुत अच्छा लगूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अनफिट हुआ करता था तो मुझे अपने आप को देख के वो कॉन्फिडेंस नहीं फील होता था। इसीलिए मैंने जिमिंग तो स्टार्ट की, लेकिन जब मुझे जिमिंग करते हुए 1 या 2 साल हो गए या बोलो 3 साल हो गए तो मुझे मेरी बॉडी काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील होने लगी। मतलब मैं वहाँ पहुँच चुका था जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब मेरी फिजिक इतनी अच्छी डेवलप हो चुकी थी कि मैंने सोचा था भाई अब तो मैं ही हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने अपने सर से बात की कि सर मैं एक्चुअली मुझे ना बॉडी बिल्डिंग करनी है अब। तो मेरे सर ने मुझे 1 मिनट के लिए वो सुन के थोड़े से हक्के बक्के रह गए। उन्होंने बोला ये सार्थक क्या बोल रहा है। मेरे सर ऐसे थे, वो खुद भी बॉडी बिल्डिंग नहीं करते थे बट वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते थे जिन्होंने मुझे एक्चुअली इसमें डाला फिटनेस इंडस्ट्री में। तो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड्स के बारे में बताया कि कैसे आपको एनाबॉलिक इंजेक्शंस और मेडिसिंस का यूज़ करना पड़ता है जिसकी वजह से आप ज़्यादा एनहैंस्ड लगते हैं, आपका मसल साइज और ज़्यादा गेन होता है और तभी आप किसी कॉम्पिटिशन को जीत सकते हैं। उस दिन दोस्तों मेरा एक बहुत बड़ा सपना टूट गया। मतलब मैंने सोचा कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 साल जिम करने के बाद एक्चुअली ज़्यादा ही हो गया होगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यार ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मेरे अचानक से सारे सपने टूट गए थे। सर ने बताया, उसके बाद मैं घर गया, मैंने प्रॉपरली रिसर्च किया एनाबॉलिक्स की और मैंने बोला ओ तेरे की भाई। और वो दिन, वो एक फेज़ शुरू हो गया जब मेरा बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल मन हट चुका था। तब मैं एक्चुअली अपना तब मैंने अपने कदम नशों की तरफ बढ़ा दिए थे। बट इस चीज़ ने मतलब मेरी आंखें एक्चुअली खोल दी, मैं यही बोलूँगा। क्योंकि भाई एक चीज़ अपने को कंफर्म था कि हम लोग स्टेरॉइड्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं भाई। मतलब मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ और बस नहीं, मेरे प्रिंसिपल्स मुझे इस चीज़ के लिए कभी भी परमिशन नहीं दी। और उसके बाद कुछ सालों बाद मैंने अपने ही एक गुरु को, एक दूसरे गुरु को खोते देखा। तो इस वजह से मेरा मन बिल्कुल पक्का हो चुका था कि मुझे कभी भी इंजेक्शंस का यूज़ नहीं करना है। और एक और रीज़न जिसलिए मैंने सोचा कि मैं इंजेक्शंस का कभी यूज़ नहीं करूँगा, स्टेरॉइड्स नहीं लूँगा, एनाबॉलिक्स नहीं लूँगा, उसका ये था कि मैंने अभी तक, भाई ये देखो, मैंने अभी तक ये जितनी भी बॉडी बनाई है ना, इस पर मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं नेचुरली अपने आप को यहाँ तक पुश किया है। और मैं ऐसा सोचता था कि अगर मैंने कल कोई स्टेरॉइड यूज़ भी कर लिया तो जितना गर्वित, जितना प्राउड मैं अपने आप पे महसूस करता हूँ वो कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैंने चीट कर लिया। मुझे ऐसा लगता है भाई, मुझे मालूम है कि कुछ लोग ये वीडियो देखने के बाद बुरा भी मान जाएंगे, बट दोस्त ये अदर साइड ऑफ दी हेवन है जिसको मैं बोलूँगा। तो बट जिमिंग का नशा तो अपने को चढ़ चुका था। मतलब जिम तो करना ही करना है, क्योंकि जिम जाते थे, बॉडी मस्त लगती थी, लोग इज्जत देते थे, लड़कियां पलट पलट के देखती थी, लड़कियां इजीली बात कर लेती थी, पट जाती थी, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट मुझे फील होने लगा। बट मैंने जब पीछे पलट के देखा तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं फिटनेस में इतना ध्यान, मैं फिटनेस की जगह बॉडी बिल्डिंग में घुस गया था। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ, फिटनेस मतलब जब मैं पतला होने गया था, बॉडी बिल्डिंग मतलब जब मुझे बॉडी बिल्ड करने का शौक हो गया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं 2-3-4 साल खर्च कर चुका हूँ अपने इतने हैवी ट्रेनिंग में। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैंने तो हक दिया। मतलब मैं इतना टाइम जिम के बारे में सोचा, मैं जीता ही जिम के लिए था, और मुझे ऐसा फील हुआ कि यार इसका कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। जितना टाइम मैं पहले कोचिंग जाता था तो मैं सोचता था उसके बाद मैं जिम जाऊंगा, तो मेरा दिमाग पूरा दिन जिमिंग में रहा। मतलब मैं कॉलेज में हूँ तो भी मेरा दिमाग जिम में, मैं स्कूल में हूँ तो भी मेरा दिमाग जिम में, टाइट टी शर्टें पहनने का तब शौक हो गया था, खैर वो शौक अभी भी बरकरार है, बट उस वजह से मतलब मैं पूरा जिम बॉय बन गया था, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्योंकि देखो, मेरे को एक इंसान ने बताया था कि जो जिमिंग होती है ना, जब आप वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं तो वो आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने का सबसे आसान तरीका है। और ये चीज़ मुझे एक
एक गोल्ड लेवल के बॉडी बिल्डर ने ही मुझे ये चीज बोली थी जिसने बाद में वो फील्ड छोड़ी है, बट इस बात को जब मैंने ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। मैं एक काफी इनसिक्योर लड़का हुआ करता था और जो अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए जिम पहुंच जाता था। खैर उसमें किसी बात की बुराई नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होती थी कि मान लीजिए मेरे मार्क्स कम आए, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जिम से वो खुशी मिल जाती थी तो मैं कभी भी डिप्रेस नहीं रहता था, जिसकी वजह से मुझे मेरे पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं बचा था। मार्क्स कम आ रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं आ रहे तो भी ठीक है, क्योंकि हमें खुशी महसूस कराने के लिए जिम तो हमेशा हमारे साथ है ही। और फिर उसके ऊपर मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि भाई मैं अब ये देखने, मैं पूरा पूरा दिन जिम से रिलेटेड वीडियोस देखने लगा। खैर उसकी वजह से मुझे नॉलेज काफ़ी आ गई, बट मेरा एक्चुअली पूरा माइंडसेट ही वो हो गया था। जब मैं अपनी क्लास 11, 12 इंजीनियरिंग जो भी कर रहा था ना, तो मेरा दिमाग हमेशा जिमिंग के अंदर घुसा ही रहा। मतलब मैं कभी भी अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाया, उस वजह से मार्क्स आ जाते थे मेरे, बट मैं कभी भी दिल से नहीं पढ़ा, क्योंकि दिल और मेरा दिमाग तो दोनों जिम में ही था। और प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं दिल दिमाग तो वहाँ है लेकिन मैं बॉडी बिल्डिंग तो कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि स्टेरॉइड्स आ गए थे रस्ते में। तो भाई मैंने इस बड़े से इंसिडेंट से ना 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपको बोलना चाहूँगा। बेसिकली मैं आपकी आँखों को बेसिकली मैं आपकी आँखों के आगे से एक पर्दा हटाना चाहता हूँ, और जो लोग अभी जिम कर रहे हैं मैं उनको, जो लोग रोज़ जिम जाते हैं, जो लोग, मैं खुद एक फिटनेस के वीडियोस बनाता हूँ, बट मैं उन लोगों को भी ये चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। तो दोस्त मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि दोस्त अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अगर आप एनाबॉलिक यूज़ के साथ ओके हैं, तो ये एडवाइस आपके लिए नहीं है, अदरवाइज़ आप सुनते रहिए। तो दोस्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो सबसे पहली एडवाइस है वो ये है कि दोस्त अपना दिल और अपना दिमाग बस जिम में तब लगाओ जब आप एक्चुअली जिम में हो। जिम के बाहर जिम के बारे में मत सोचो, नहीं तो आप कभी भी अपनी लाइफ के और इम्पॉर्टेंट चीज़ों में कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ दोस्त, आप जिम के वीडियोस देखते हैं तो उसका कंजम्पशन थोड़ा सा लिमिटेड करिए। उसके 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला ये कि आप इतनी सारी नॉलेज ले लेते हो, इतनी सारी चीज़ें बोल देते हो, कोई फिटनेस ब्लॉगर ये बोल रहा है, कोई फिटनेस यूट्यूबर ये बोल रहा है, तो क्या हो जाता है उसकी वजह से आपके मन में पूरा एक जाल बन जाता है। मतलब आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहली बात तो आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। और जब आप इतनी अलग अलग तरह की वीडियोस देख लेंगे तो आपको कभी भी अपने खुद के वर्कआउट और डाइट पे कभी भी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो फिटनेस फील्ड है ये इसके बहुत सारे पहलू हैं दोस्त। कोई बोलेगा कार्डियो करो, कोई बोलेगा कार्डियो फालतू है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोग, एक बंदा बोलता है दूसरा बंदा उसको गलत बोलता है, तो ये चीज़ चलती रहेगी। इसीलिए मैं बोलूँगा एक चीज़ जो कर रहे हो उसको सही तरह से करो। अगर आपका ट्रेनर है तो आप सही तरह से उन्हीं की बात सुनिए बस, और कुछ मत देखिए। और अगर आपको फिटनेस वीडियोस देखने का शौक है तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं बस उनको जिम के पहले देखता हूँ, केवल जिम के पहले प्री वर्कआउट मील के टाइम पे मैं वीडियोस देखता हूँ, और बस उस समय देखता हूँ। क्योंकि पहले मेरी आदत थी कि सुबह से उठे वीडियो देखने शुरू, रात तक भाई वीडियोज ही देख रहे हैं जिम के पहले और जिम के बाद। अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहते हो तो जब आप जिम के अंदर जाओ तो अपना गोल डिसाइड करके घुसो कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, इसके अंदर मैं अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में आ जाऊंगा, उसके बाद मैं और अच्छे से बस अपनी लाइफ के बाकी के सेगमेंट्स पे फोकस करूंगा। और बात रही डाइट की, तो बस आपको डाइट की जरूरत मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे होती है, बाकी के टाइम आप अपने घर का बना हेल्दी खाना खाओ। अगर आप जंक फूड खाओगे आप मोटे होगे और आपको जरूर बार बार ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं साल में 6 महीने बल्क करता हूँ, 6 महीने मेंटेन करता हूँ, कभी मन करता है तो कटिंग कर लेता हूँ, जो मन करता है करता है, बट मैं अपने मन को काम में लगाने की कोशिश करता हूँ, ना ही जिम के अंदर। खैर अभी जब से मैं आप लोगों के लिए फिटनेस का कॉन्टेंट बनाने लगा हूँ तब से मुझे और ज़्यादा मैं जिमिंग की तरफ आ गया हूँ, बट मुझे पता है कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, क्योंकि मैं 6 साल से यही कर रहा हूँ। लास्ट में मैं अपने भाइयों को यही बोलूँगा, अगर आप 11, 12 ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस में हैं, आपके एग्जाम्स वगैरह बहुत क्रूशियल हैं इस समय, तो आप जिमिंग करिए, आप रोज़ जिम जाइए, बट अपने आप को मेंटली जिम की वजह से एग्जॉस्ट मत करिए, बाकी चीज़ों पे फोकस करिए, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी है आपका काम धंधा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और फिटनेस और जो जिम और जो ट्रेनिंग है आप उसको, मैं तो बोलूँगा 5वीं या 6ठी प्रायोरिटी में रखिए अपनी लाइफ में, ताकि आप
देखो कोई मेरा भाई बुरा मत मानना, बट मैं देखता हूँ लोगों को ऐसे, ना वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ना वो बाकी के काम करते हैं, वो बस जिम जाते रहते हैं। तो उसको मैं बेसिकली गधा मजदूरी ही बोलूँगा दोस्त। ठीक है, जिम जाने से आपकी बॉडी बनती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, बट आपको हर एक चीज़ बैलेंस करके चलोगे ना तो आप अपनी लाइफ में अव्वल बन पाओगे। अदरवाइज ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। तो भाई वैसे तो मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने के लिए, बस अभी मेरे दिमाग में बस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। तो मैं चाहता हूँ कि ये आप छोटी सी दो तीन चीज़ें याद रखें ताकि आप अपने फ्यूचर को डेंजर में ना डालें जिमिंग की वजह से। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अगर आप फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा एक और चैनल है, वहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट बातें करता हूँ, तो आप जाइए मेरे उस चैनल को भी चेकआउट कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी रोज़ मेरा वीडियो आए तो उसको देखने वाले सबसे पहले आप ही हों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों को ऐसे ही एक ज़बरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।